हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज मनोज कुमार जांगिड एंड आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिड क्लासेस। स्टूडेंट्स काफी सारे बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट टू ट्वेल्थ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आई होप आप सब अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, अच्छे से चल रही होगी। लेकिन एक चीज जो सीबीएसई की तरफ से जिसके रिगार्डिंग सर्कुलर इश्यू हो सकता है, और ये जो है एक वेबिनार जो हुआ था, जो अटेंड किया था काफी प्रिंसिपल्स ने और काफी हेड ऑफ द स्कूल्स ने, और उसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज जो सीबीएसई की तरफ से हैं, उन्होंने ऐसा हिंट दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसकी अटेंडेंस जो है बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे क्लास में लगती है। तो अगर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं टीचर के बताने के बाद भी, तो शायद इसकी पेनल्टी, शायद इसका जो कंसिक्वेंस है आपको फेस करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, तो प्लीज ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिए जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको पता है अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन, फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ, और ये स्पेशली मैं 10th और 12th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा, आपका जो है अटेंडेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, और अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड जरूर कीजिए। 75% से कम अगर आपकी अटेंडेंस होती है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आज की न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्टूडेंट्स स्टे एट होम, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिड क्लासेस।